जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, पूरी नहीं ठीक। नहीं, अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ कैसी है। और अभी ये हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं सुबह जल्दी जल्दी तो वैसे उठ ही जाते हैं रोज़, लेकिन आज जल्दी ही सुबह काम में लगी क्योंकि आज हमें करनी है सफाई। और यहाँ पे आंटी गंगा जल देने आई थी क्योंकि वो अंकल गए थे हरिद्वार, तो वहाँ से गंगा जल लाए थे तो वही जल देने आई थी। और यहाँ मैंने पर्दे उतार दिए हैं क्योंकि आज पर्दे भी धोने हैं, काफ़ी टाइम से धुले नहीं हैं। और यहाँ मैंने मशीन लगा रखी है तो कपड़े भी धुल रहे हैं, उसके बाद पर्दे भी धो दूँगी। और मम्मी यहाँ गुड़िया के लिए, उन्नति उठ गई है तो उसके लिए दूध गर्म कर रही हैं, वो रो रही थी तो यहाँ पे मम्मी उसके लिए दूध गर्म कर रही हैं। वो आज करनी है मुझे सफाई, रसोई की डीप क्लीनिंग करनी है आज अच्छे से, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए करीब नवरात्रों में सफाई की थी, तो अब सफाई ऐसा मतलब सफाई अब मांग रही है, रसोई कह रही है सफाई करो उसकी। बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं, लेकिन हाँ अब ऐसा लग रहा है कि अब सफाई करनी है। और त्यौहार भी आ रहे हैं, तीजे भी आ रही हैं, तो इसलिए तो आज सफाई करूँगी, इसलिए मैंने मशीन सुबह लगा दी है। और यहाँ पे ये पर्दे मैंने उतार लिए हैं। और पर्दों में मैं ये ऐसे फोल्ड करके, ये देख रही हो ना, ऐसे इनको इसके अंदर रुमाल या फिर कोई भी रस्सी या फिर कुछ भी मतलब कपड़ा कुछ भी छोटा सा ऐसे आपको बांधने हैं, बस किसी से भी बांध लो, बस आपको ऐसे करके बांधने हैं। क्योंकि जो इनके हैंगर होते हैं ना, ये लोहे वाले, ये मुड़ते नहीं हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं होते, इक्वल सीधे ऐसे ही रहते हैं। अगर ऐसे ही धो दो ना डायरेक्ट, तो इनके ये ख़राब हो जाते हैं मशीन में धोने से। तो ऐसे बांध के धोओगे ना अगर, तो ख़राब नहीं होंगे वो और अच्छे चलेंगे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मैं ऐसे ही धोती हूँ। और आप देख सकते हो कि मेरे ये हैंगर है जो, वो ठीक है, मतलब ख़राब नहीं है, हल्का फुल्का होगा तो होगा, वरना कोई भी ऐसा नहीं है मेरा। ये देख सकते हो आप, सारे ही मेरे सारे पर्दों के हैंगर ठीक हैं क्योंकि मैं ऐसे ही धोती हूँ और ऐसे धुल जाते। वैसे 6 पर्दे हैं मैंने, 3 पर्दे एक बार कर दिए और 2-1 पहले उतर चुका था, वो पहले धुल गया, इसलिए एक में मैंने 2 बांधे हैं, एक में 3 पर्दे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे बांधने हैं आपको। उसके बाद करूँगा, अब ये कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद मैं करूँगी रसोई की सफाई। सॉरी, अभी भी खांसी हो ही रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। अब उधर मेरी मशीन लगी हुई है, तब तक मैं यहाँ पे डब्बे वगैरह धो लेती हूँ। ये स्टील के डब्बे मेरे 6-7 हैं, बट 3 डब्बों में मेरे में ऑयल है। सॉरी, 3 डब्बों में ऑयल रखा है, एक में व्रत वाला ऑयल रखा है, एक में सरसों का ऑयल रखा हुआ है, एक में रिफाइंड ऑयल, तो उनको मैं ऊपर से ही धो दूँगी। इसलिए मैंने ये 6-7 डब्बे हैं ना, इनमें से 4 डब्बे निकले हैं, इनको खाली कर लिया, इनको धो रही हूँ मैं, इनको मैं खाली करके धो रही हूँ, उनको ऊपर से ही धो दूँगी क्योंकि उनके अंदर ऑयल रखा है, इसलिए तो बस ऐसे ही धो दूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम अभी। और मेरे को इसके बाद वो डब्बे भी धोने हैं दाल वगैरह के। उसके बाद मैंने मतलब ज़्यादा दाल वगैरह के डब्बे धोए थे, तब तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो मेरा हाथ नहीं चलता कि बार बार फ़ोन उठाऊँ मैं, इसलिए। और यहाँ पर मेरे ये डब्बे धुल चुके हैं, ये सारे ये 4 डब्बे तो धुल गए। और ये मैंने सारे बर्तन पहले ही धो के रख दिए थे, डब्बे धोने से पहले ही सारे धो दिए थे, सारे मैं टोकरे में रखती जा रही हूँ बर्तन, ताकि पानी इनका पानी वो हो जाए, पानी निचड़ जाए इनका, इसलिए। उसके बाद ऊपर से स्लैब साफ करूँगी, जाले वगैरह तो सारे निकाल ही दिए, बस ऊपर से स्लैब वगैरह। अब ये यहाँ से ये सारी प्लेटें वगैरह तार के धोनी है, और जो कांच के बर्तन हैं सारे, गिलास कटोरी, तो वो धोने हैं। कांच के बर्तन मेरी कटोरी बहुत हैं, गिलास मेरे बहुत टूट चुके हैं, कम से कम 12 गिलास तो टूट गए मेरे, और भी कई टूट गए, कईयों के 2 गिलास रह गए, किसी का 1 गिलास ऐसे रह गया, वरना बहुत ज़्यादा बर्तन थे कांच के, लेकिन सारे टूट गए। और यहाँ पे बस मम्मी भी वो कर रही है, मम्मी ने जाले वगैरह निकाल दिए हैं साइडों में से, और पंखे साफ़ कर दिए थे, क्योंकि पंखे वगैरह मेरा हाथ नहीं जा पाता अच्छे से, मेरे से हो नहीं पाते, या तो मम्मी करती है या फिर ये करते हैं, लेकिन ये तो अभी सो ही रहे थे, उठे नहीं थे, तो इसलिए।
और यहाँ पे मैं सारे कांच की कटोरियाँ बर्तन सारे उतार लूँगी। कांच की कटोरियाँ मैं एक जैसे रखती हूँ, ऐसे लगाती नहीं हूँ अच्छे से, क्योंकि जगह इतनी है नहीं इसलिए। और मैं ये ऊपर चढ़ के ये सारी जो रैक्सिन बिछी हुई है ना ब्लू वाली, ये इसको उतार लूँगी और दूसरी बिछाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बिछा दूँगी रैक्सिन में, ये सारी उतार के। और मैंने वीडियो ना बहुत ही कम बनाया है, अगर मैं सफाई का वीडियो बनाती तो एक तो लंबा बन जाता, और दूसरी बात जब मैं काम करती हूँ तो फिर मन नहीं करता कुछ, मतलब बार बार फ़ोन वगैरह उठाने के लिए, हाथ पानी में काम कर रहे होते हैं तो बार बार फ़ोन पे हाथ नहीं जा पाता कैमरा वीडियो के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो कम बनाया है। बट मैंने कोशिश करी है, पर से तबीयत भी ठीक नहीं थी तो बस ऐसा लग रहा था फटाफट सारा काम हो जाए। और यहाँ मैं आपको शंख दिखा रही थी जो मम्मी रोज़ बजाती हैं सुबह, और यहाँ पे ये देखो मेरे पर्दे धुल चुके हैं, ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो है ना ये देखो एकदम ठीक है ना, अगर ऐसे धो दो ना बिना बांधे तो बहुत ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ऐसे बांध के धोओगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब अच्छे होते हैं पर्दे, ख़राब नहीं होते। और ये मेरे पर्दे धुल चुके हैं, बस इनको सुखाना है, ये भी उड़ गए हैं सो के। और यहाँ पे मेरे जो कांच के मैंने बर्तन निकाले थे वो भी मैं धो चुकी हूँ सारे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिछाई थी रैक्सिन दूसरी वाली जो मेरी रखी हुई थी पहले, ये बिछाई थी तो ये अब मैंने दोबारा धो बिछा दिया अब। और मेरे खांसी इतनी हो रही है, मेरा मतलब बार बार वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और जब कल वीडियो कल सफाई कर रही थी तो वीडियो भी ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि बार बार फ़ोन नहीं उठा पाती, मैं बोल रही हूँ फिर से। और यहाँ पे मैं ये बिछा ले रही हूँ, यहाँ पे मम्मी जब ये आर ओ उठा देंगी तो मैं नीचे भी बिछा दूँगी। बस यहाँ पे जब बर्तन वर्तन धुल चुके हैं उसके लगाने के बाद मैं धोऊँगी यहाँ पे दाल वाले डब्बे। जब मैंने दाल वाले डब्बे, ये देखो मैंने दाल वाले डब्बे धो चुकी थी, मैंने वीडियो कोई नहीं बनाया था, बस ऐसे ही मैंने दिखा दिए थे, ये सारे डब्बे मैंने धो लिए और ऊपर से सारा साफ़ कर दिया है, सारे डब्बे मैंने धो के लगा दिए। ये देखो कांच के बर्तन सारे डब्बे सब धो के लगा दिए, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था बनाते वक्त दो काम करते वक्त क्योंकि बार बार फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था मेरे से। फ्रेंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और आज आपका वेलकम कर रही हूँ। क्या ये समोसे, ब्रेड पकौड़े, चटनी और कॉफ़ी। मैं दीदी के घर आ गई थी अभी 3:30 आई थी, शायद 4:15 ऐसी, सफाई करी, आज हमारा सफाई अभियान चल रहा था तो वो पूरा हो गया और हम यहाँ कर रहे हैं शाम का नाश्ता। ये शाम का नाश्ता हो रहा है, कॉफ़ी चाय, सॉरी कॉफ़ी है चटनी, ब्रेड पकौड़े, समोसे। आ जाइए आप भी कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।